हैं मालवीय नगर के अंदर, और मालवीय नगर के जो एमपी और बीएसपी की टिकट के उम्मीदवार हैं बहुजन समाज से, वो हैं सुशील वढेरा जी। सुशील वढेरा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और यहाँ पे तमाम जनता है जो मालवीय नगर की है और सभी विधानसभाओं में जाने का है, सारी लोकसभा की सीट पे एक एक विधानसभा के अंदर जाना है वढेरा जी को, क्या मुद्दे हैं आपको लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं वो बताएं। हमारे क्षेत्र की जो लोकल प्रॉब्लम है उसके, उसमें एक तो वो ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम ये सोचते हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम लोग यहाँ मल्टी पार्किंग सिस्टम बनाएंगे, और हम लोग जो नाले हैं ओपन नाले हैं जिसमें यहाँ पॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है जी, उनको हम कवर करेंगे और उसके ऊपर पार्किंग हम बनवाएंगे। और तीसरा मुद्दा है कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, और पानी के लिए यहाँ साउथ दिल्ली में तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि हरियाणा से और पानी मंगवाएं, और यहाँ लोगों को पानी की, ये जो ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है इसके लिए हम हार्वेस्टिंग सिस्टम की और कोशिश करेंगे। और तीसरा मुद्दा है कि हमारे पिछड़े जो लोग हैं वाल्मीकि समाज के हैं, जिनको कि नालों में उतरना पड़ता है, उसके कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं है, जबकि आपकी सरकार ने बोला था कि उनके लिए सेफ्टी के कुछ इंस्ट्रूमेंट मंगवाए गए हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मंगवाया गया, उसमें घपला हुआ है, ये लोग उसके पैसे खा गए हैं। और अभी भी आपको मालूम है कि रिसेंटली 4-5 मौत हो चुकी हैं, इसी ने जो नाले साफ करते हुए जो सफाई कर्मचारी थे, हम लोग उनके लिए सेफ्टी का पूरा इंतजाम करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि कमज़ोर और आर्थिक रूप से या पिछड़े लोगों को सरकार अपने दबाव में लाकर उनसे गलत काम करवाए जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।